फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर ऑनलाइन लेडीज टेलर। दोस्तों एक बार फिर से हम आपको 2.5 मीटर की सलवार काटना सिखाएंगे। 2.5 मीटर सलवार कैसे काटा जाता है वो हम आपको आज बताएंगे। ये हमारी नाप है, 38.5 लंबाई है, 13 इंच की मोड़ी है और 11 इंच 21 और 21 × 8.5 21 इंच मतलब इसका पूरा बेल्ट है, मतलब पूरी चौड़ाई है। 21 × 42 इंच हमको चाहिए। तो आइए दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, 2.5 मीटर सलवार में हमको घेरा ज्यादा बढ़ाना है, उस हिसाब से हमको सलवार काटनी है। ये देखिए आपके सामने ये 2.5 मीटर कपड़ा है, ये देखिए ये 2.5 मीटर कपड़ा है, दो लेयर में कपड़ा है जैसा कि आप देख रहे हैं। इसको हमें ज्यादा घेरे के सलवार काटना है, तो इसको ठीक से लेयर बना लेंगे, पहले सही सही लेयर बना लेंगे ताकि कहीं से कपड़ा घट बढ़ ना। और ये हम आधे पैंचे पे, इसको आधा पैंचा, इसको डेढ़ पैंचे पे करेंगे। आधा पैंचा मतलब डेढ़ पैंचा, आधा पैंचा इधर और बाकी नीचे वाला पूरा पैंचा करेंगे, तभी आपका पूरा घेरा बढ़ेगा, तभी पटियाला सलवार बनेगी। ज्यादा घेरे का सलवार चाहिए यानी कि आपको डेढ़ पैंचे का करना पड़ेगा, यानी 2.5 मीटर सलवार अगर आपका है तो आधा पैंचा ये कम करना पड़ेगा और नीचे वाला पैंचा पूरा करना पड़ेगा। इसमें दो पैंचे हैं, अब जब आप मोड़ देंगे तो 4 पैंचे हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम सेव कर लेंगे। ये हमने सेव कर लिया। अब हमको नाप देखनी है, 38.5 इंच की लेंथ है इसकी है। तो क्या करेंगे, 6 इंच पे निकालेंगे इसको। याद रखिएगा 6 इंच हमको ऊपर से निकालना है बेल्ट का कपड़ा। ये 6 इंच हमने निकाल दिया निशान लगा के, ये देखिए। और 38.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे यहाँ पे, ये 38.5 का हो गया और ये 6.5 इंच का ऊपर से निकल गया। अब हम बेल्ट की निशान लगाएंगे, मियानी का निशान लगाएंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसको 10 इंच पे निशान लगाएंगे। ये फार्मूला याद रखिएगा, 10 इंच पे हमेशा आप सलवार का निशान लगाएंगे, ये 10 इंच का होना चाहिए। ये हमने लगा दिया। अब स्केल से हम इसको सीधा करके, बॉटम कितना है 13 इंच, 13 इंच लिखेंगे। ये हमने 13 इंच लिख दिया। अब उसके बाद सीधा करके हम सेव कर देंगे इसको। अब ये हो गया निशान, मेजरमेंट हो गया। हाँ दोस्तों, तो फिर ये है, यहां से हम सेव कर देंगे, काट देंगे इसको, कटिंग कर देंगे यहां से। ये हमने काट दिया, ये कट गया सलवार। अब जो बचा हुआ पल्ला है इस पे हम कलिया लगा के इसको घेरा बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे वो ये देखिए, ऐसे ये 4 पल्ले हो गए, ये 2 2 4 पल्ले, बाकी ये 2 पल्ला घट रहा है। तो क्या करेंगे हम, ये जो बचा हुआ कल्ली है इस कल्ली को यहाँ पे ले जाकर सेट करेंगे। देखिए ये होता है जुगाड़, जुगाड़ से काटा जाता है। ये देखिए आपके सामने ये कलिया एडजस्ट हो गई, इसमें ये कलिया हमने एडजस्ट कर दिया। अभी हो गया सलवार का पूरा कंप्लीट, सलवार कटिंग हो गई है, पूरी कल्ली हो गई। अब उसके बाद हम बेल्ट निकालेंगे। हम आपको दिखा देते हैं, इस पे 4 पल्ले हैं, 1 2 3 4, 4 पल्ले का मतलब हो गया आगे एक दाहिना एक बायां, बाकी जितने भी घेरे रहेंगे वो बेल्ट में हमको एडजस्ट करना रहेगा। अब बेल्ट की बारी आ गई, अब ये जो बचे कपड़े हैं इस पे हम बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट का काटने का तरीका क्या है वो आपको बता दे रहे हैं। ये देखिए 8.5 इंच पे हम बेल्ट काटेंगे, निशान लगाएंगे 8.5 और ये 8.5। उसके बाद बेल्ट की चौड़ाई कितनी है 21 इंच, 21 का आधा करेंगे 10.5 इंच, तो ये 10.5 इंच पे निशान लगा देंगे और ये निशान लग गया डोरी का, ये इसमें डोरी डाली जाएगी। अब मार्जिंग के बाद हम इसको कटिंग कर देंगे। ये हमने मार्जिन डाल दिया और ये सलवार का बेल्ट हो गया कंप्लीट। अब ये जो बचे हुए कपड़े हैं ये खर्चे में चला जाएगा। अब हम आपको पूरा डिटेल में बताते हैं कि सलवार का जो हिसाब है, कलियों का जो हिसाब है वो आपके सामने है। ये देखिए ये दोनों कलियाँ इसमें हैं और ये बेल्ट है। देखिए दोस्तों पूरा देख लीजिए, ये बेल्ट है, ये आपका 4 पल्ला है, 1 2 3 4, 4 पल्ला सलवार है, ये बेल्ट है और ये सब कलियाँ हैं। जब आप घेरा डालेंगे तो ये सारी चुन्नट इसके अंदर आ जाएगा और आपका सलवार तैयार हो जाएगा। बाकी सिलने का काम हम आपको बाद में बताएंगे, कटिंग आप सीख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।